8 फरवरी को हमने ये इलेक्शन जीता हुआ था, हमारा वोट चोरी हुआ, पोलिंग डे वाले दिन इन्होंने सिग्नल ड्रॉप कर दिए। हम तो अपने हक के लिए, जो हक की बात करेगा वो आज भी हमारे साथ है। ये 15 सीटों से वजीर आला बन गया और 18 सीटों से वजीर आजम बन गया, तो ये ज्यादा नहीं है मुल्क के साथ। एक भी मुकदमा ऐसा साबित नहीं हुआ कि उनकी कोई करप्शन पकड़ी जाए या उनका कोई ऐसा साइफर पकड़ा जाए, कोई भी चीज़ ऐसी साबित ही नहीं हो सकी। मुल्क के इतने बदतरीन बुरे हालात हो गए हैं, बुरी तरह से कि जज इंसाफ मांग रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे गेस्ट, ऐसे मेहमान जिन्होंने काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो बर्दाश्त की सियासत के अंदर और कुर्बानियाँ भी दी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मियाँ शहजाद फारूकी, पीटीआई के रहनमा हैं और NA 119 से उम्मीदवार भी हैं ज़िमनी इलेक्शन के। तो आइए ज़रा उनसे गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि जो ज़िमनी इलेक्शन है किस तरह के गुजार रहे हैं। जनरल इलेक्शन भी इन्होंने जो है यहीं से लड़ा, लेकिन अब ज़िमनी की कैसी तैयारियाँ? बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। जी, कैसे हैं आप? पहले तो ये अल्हम्दुलिल्लाह भाई, इलेक्शन है, कोई हिलजुल या आप कह लें वो गहमा गहमी नहीं नज़र आ रही है हल्के के अंदर? कहीं पुरानी रवायात, कुछ पाबंदियाँ तो नहीं है? नहीं, पाबंदियाँ नहीं है। ये आपको पता है ज़िमनी इलेक्शन है, हर कोई दिन के टाइम काम में अपने मामलात में बिज़ी होते हैं। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अभी 5 होने वाले हैं, गहमा गहमी आपको नज़र आएगी। PTI के हमारे ऑफिस भरे होते हैं और आवाम का रश होता है, तो इंशाल्लाह ये अभी लोग काम से गए हुए हैं सारे। तो इसके बाद अच्छा, आपका हमसाया हल्का जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वसीम कादिर साहब का, उसके अंदर तो बड़ा आपके साथ हाथ हो गया है और आवाम जो है अब उनके दिल भी टूट गए हैं, क्योंकि वोट जो है जिसके नाम का आप लोगों को पड़ा है या जिसके नाम का वोट था उस वोट को जो है आगे दे दिया गया। अभी भी एतमाद कर रही है इस हलके की आवाम, क्योंकि आबाई हलका कहा जाता है और विनिंग सीट कहा जाता है इस हलके को, जो है वो परवेज़ मलिक साहब के साहबजादे की, इससे पहले परवेज़ मलिक साहब की थी, फिर मरियम नवाज़ यहाँ से जीती। तो इस बारे में ज़रा बताइएगा कि कितना एतमाद आवाम कर रही है और कितने पुर उम्मीद हैं आप इस इलेक्शन से? अल्हम्दुलिल्लाह ये सीट हम जीत रहे हैं बड़ी भरपूर लीड के साथ, और पहले भी जीते हुए थे। 8 फरवरी को हमने ये इलेक्शन जीता हुआ था, आपको पता हमारा वोट चोरी हुआ और मरियम नवाज़ ने जो किया आप सबके सामने। तो इंशाल्लाह इस बार हम अपने वोट की हिफाजत करेंगे और वोट जो वह हमारा वोटर है पहले से ज़्यादा जोश में है और पहले से ज़्यादा गर्म है। इंशाल्लाह हमारी टर्नआउट बहुत अच्छी रहेगी। और उसके बाद पहले पिछली बार जो इन्होंने 8 फरवरी को हमारे साथ किया, आपको पता है कि पुलिस ने हमें काम नहीं करने दिया, हमारे ऑफिस नहीं ओपन होने दिए, हमारे पकड़ दकड़, पोलिंग डे वाले दिन इन्होंने सिग्नल ड्रॉप कर दिए, हमारे वर्कर नहीं इकट्ठे हो पा रहे, हमें कोई कन्वेस का सिस्टम नहीं हमें मिल सका, कुछ भी नहीं मिला। तो फिर भी हम आवाम ने हमें वोट ढूंढ ढूंढ कर हमारा निशान हमें डाला। और इस बार जो है आवाम का जो डर है वो ख़त्म है, वो इसलिए कि हम अपोजिशन कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हमें ये तंग करेंगे तो इंशाल्लाह हम असम्बली बंद करवाएंगे और असम्बली में भरपूर इत्तेजाज करेंगे। और हम चाहते हैं कि ये मेरिट पे इलेक्शन हो और इस पे हमें तंग ना किया जाए, लेकिन तंग इनकी मशीनरी तो काम कर रही है। मेरी आप मेन पे देखें, अभी आप देख के आए होंगे कि बड़ी फ्लेक्सिंग वगैरह लगाता हूँ सुबह के टाइम, ये रात को सारी मशीनरी भेजते हैं, टाउन दाता टाउन और गुलबर्ग टाउन और ये अपना वाघा टाउन से गाड़ियाँ आती हैं कॉरपोरेशन की, तो मेरे ये उतार लेती हैं सारी। अच्छा वगैरह शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि आप अभी बात की कि 8 फरवरी को जो है वो आपका वोट चोरी हुआ, अब इस दफ़ा वोट को किस तरह चोरी होने से रोकेंगे? क्या ऐसी हिकमत अमली बनाई जा रही है पार्टी की जानिब से कि जो वोट चोरी है रोका जाए उसको, और किस तरह से लोगों को निकालेंगे कि पहले निशान कुछ और था, एक इंतखाबी निशान जो आपकी पार्टी का था वो छिन गया, उसके बाद एक और निशान आया और अब एक और मुख्तलिफ निशान, तो किस तरह से लोगों को आप जो है वो इस चीज़ की तरगीब देंगे या तरबियत कर रहे हैं कि ये वोट है ये निशान है, और किस तरह से वोट चोरी होने को रोकेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारी पार्टी ने बहुत काम किया है। तो मेरे हलका NA 119 में तकरीबन हमने 300 वकला की टीम हायर की है जो हर एक पोलिंग स्टेशन को देखेगी, और उसके बाद हमारी जो ये टाइगर टीम है ये पोलिंग स्टेशन के बाद
कोई हर एक पोलिंग स्टेशन पे कम से कम 500 की तादाद में होगी। जो हमने पोलिंग एजेंट हायर किए हैं वो हमने बड़े अपनी पार्टी के जो मुखलिस हैं, जो बिल्कुल एक एक वोट का अंदर से हिसाब लेंगे, और हम तमाम लोग आरओ का ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। हम इंशाल्लाह इस बार अपने वोट की और आवाम के वोट की पूरी तरह हिफाजत करेंगे। और सीट तो हम जीते हुए थे, लेकिन इस बार हम इनको इंशाल्लाह ये वोट चोरी नहीं होने देंगे, कोशिश पूरी करेंगे। अच्छा, इस बार भी आपको कोई फॉर्म 45 या फॉर्म 47 के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है? करना तो पड़ सकता है, आपको पता है हुकूमत में बैठे हैं ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए वकला की खिदमत जो है वो हासिल की, इसीलिए की है कि वकला होंगे। वकला से आपको पता है कि ये ज़रा प्रेशर में रहते हैं, डरते हैं, और वकला जो है वो लीगल टीम है हमारी। अच्छा, इलेक्शन जो है वो अब बिल्कुल ज़िमनी इलेक्शन सर पर आन पहुँचे हैं। जो चेयरमैन है आपके वो पबंदे सलासल हैं, और उसके बाद फिर कुछ मुतजाद बयान भी आ रहे हैं जिनमें पार्टी रहनुमाओं के बारे में भी कहा जाए, सोशल मीडिया पर भी एक कम्पेन है। इतने मुश्किल और इतने टफ हालात भी आपके ऊपर हैं। अभी आबाद साहब जो है वो भी रिहा होकर नहीं आए, अभी उनके ऊपर भी मुकदमात हैं। तो आपको कोई मुकदमात का सामना करना पड़ रहा है, और किस तरह से जो है कि एक पार्टी के बयान जो आवाम तक पहुँचते हैं उससे भी वोटर्स जो है आपका वो दिल बर्दाश्त है, कौन सी ऐसी हिकमत अमली आपकी तरफ से बनाई जा रही है, ज़रा वो वाजिया कीजिएगा कि वोटर्स को जो है वो किस तरह से चेयरमैन का पैगाम जो है वो पहुंचता है। जी, आपको पता हमारा जो ये यूथ है हमारी, माशाल्लाह वो पूरा सोशल मीडिया आपको पता है भरा हुआ है, और सोशल मीडिया पे हमारी कम्पेन चल रही है। और हमारा जो यूथ है, वोटर हमारा ज़्यादा आपको पता है वही है, और वो इंशाल्लाह वो टर्न आउट में बहुत ज़बरदस्त रहेगा और पूरे टाइम पे निकलेंगे। और उसके अलावा मुझे उन पर हमें पूरा भरोसा है। हमारा लीडर जो जेल में बैठ के इनके लिए प्रोग्राम जारी कर रहे हैं, और 21 अप्रैल को होने वाला इलेक्शन जो है ये भी इंशाल्लाह 8 फरवरी की तरह तारीखी इलेक्शन होगा, और ये पाकिस्तान देखता रह जाएगा कि ये हुआ क्या। इंशाल्लाह ये वोट इतना ज़्यादा इस बार कास्ट होने वाला है। पिछली दफ़ा जो हमारे वोटर जो डरे हुए थे, कुछ वोटरों ने वोट नहीं कास्ट किया, काफ़ी वोटर थे हमारे जिन्होंने वोट कास्ट नहीं कर पाए पुलिस के डर से। जो आते थे उनको ये पर्ची जिसके पास खुदा ना खास्ता होती थी हमारे पीटीआई के निशान की, तो उसका तो लिस्ट में वोट ही नहीं मिलता था। तो फिर हमारे वोटर ने प्लान किया कि ये पर्ची हम नून लीग के वो मतलब बूथ से लें, और वोट उन्होंने हमें पीटीआई के कैंडिडेट को डाला। तो इंशाल्लाह अब वैसा इलेक्शन नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह अपोजिशन में बैठे हुए हैं, ये हमारे साथ ऐसे ज्यादती नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो इंशाल्लाह हम पूरा मुल्क जो है बंद करेंगे और पूरी जो है हम इस पर इत्तेजाज करेंगे। अच्छा, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं पार्टी के ऊपर कि 9 मई के वाक़यात जो हैं वो मुलव्वस हैं, आबाद साहब मुलव्वस थे, इस तरह लीड करने में थे। आबाद साहब ने तो काफ़ी अग्रेसिव सियासत भी की, लेकिन उसके बावजूद इल्ज़ाम भी हैं। फिर जिन लोगों को आप लोग या आपके चेयरमैन जो हैं वो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े जलसों में उन पर तंज भी किया जाता था, लेकिन अब उनके साथ मिल बैठ के एक आयन बचाओ तहरीक का भी आगाज़ कर दिया गया है, किस तरह से आप वोटर्स को जो है या अपने पार्टी कारकुनान को मुतमिन कैसे करते हैं कि भाई वो गलत था वक्त या ये वक्त गलत था, अब ज़रा ये डिफ़ाइन कीजिएगा। अब दरअसल ये जो शौर खान साहब ने दिया, ये हमारे वोटर पे कोई इस तरह फ़र्क नहीं पड़ता, ये खान साहब का शौर दिया हुआ है, और इस पे हमारा वोटर जो है वो वोटर निकल कर और पूरे पोलिंग डे वाले दिन वोट डालने के लिए तैयार बैठा है। ये जो ऐसे झूठे हथकंडे और झूठी ये फुहें जो फैलाते हैं, हमारे वोटर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो इमरान खान का वोटर है और इंशाल्लाह वो कहीं भी टस से मस नहीं होगा। अच्छा, महमूद खान अशकज़ई के बारे में एक जलसे के अंदर इमरान खान साहब ने उनको ज़रा थोड़ा सा तंज भी किया, तनकीद भी की, अब आपकी पार्टी के रहनुमा उनके साथ मिल के बैठे हैं, अब तहरीक का आगाज़ किया जा रहा है एक, और 29 को एक जलसे का भी ऐलान कर दिया गया जिसे महमूद खान अशकज़ई खुद लीड कर रहे हैं। ऐसे अब मुझे ये मेरा सवाल आपसे ये है कि किस तरह से अब उनके साथ क्या ऐसी वजूहत बनी कि उनके साथ अब तल्लुकात आपके इतने अच्छे हो गए कि अब वो आपको लीड करेंगे, और तहरीके वो सदर है जो तहरीक आप लोग चला रहे हैं, तो अब कोई तहफ़ुज़ात नहीं है, कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि महमूद खान अशकज़ई जो है वो आपके हीरो बन चुके हैं? देखें, हीरो तो अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान ही है, इसके अलावा कोई हीरो नहीं बन सकता। मुश्किल हालात में चीज़ों को देखकर चलना पड़ता है, और ये जो आपको पता है कि ये सारे चोर डाकू चोर चक्के सारे इकट्ठे हो सकते हैं,
बारह बारह चौदह चौदह जमातें इकट्ठी हो सकती है, तो हम कोई उनको हुकूमत में लेके नहीं आ रहे, हम तो अपने हक के लिए, जो हक की बात करेगा वो आज भी हमारे साथ है, जो हमारे साथ मुल्क की बात करेगा तो वो आज भी हमारे साथ है। हम तो कहते हैं कि सब आए, पूरा पाकिस्तान की जमातें आए और हमारा साथ दें, और हम जो इमरान खान का वीएन है, आपको पता है कि वो हक और सच पे चलने वाला बंदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कहते हैं कि और भी कोई लोग हैं तो आए, हम किसी को हुकूमत में लेके नहीं आ रहे, हम किसी को कोई अपनी मिनिस्ट्रियाँ नहीं दे रहे, हम तो अपने इत्तेजाजी कॉल के लिए और हम अपना काफिला बढ़ा रहे हैं कि ये आपको पता हमारी पार्टी को जो इन्होंने रेजा रेजा करने की पूरी कोशिश की, इन्होंने कहा कि ये टुकड़े टुकड़े हो जाए और ख़त्म हो जाए, तो ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि हमारी पार्टी के ऊपर अल्लाह की रहमत है और हमारा लीडर जो ईमानदार है ये अल्लाह की ज़ात देख रही है, तो इसीलिए आज भी हम मजबूत हैं। और ये जो साथ आ रहे हैं हमारे, ये सिर्फ हम अपोजिशन में बैठे हैं और अपोजिशन में ये हमारा साथ दे रहे हैं, तो इसमें बुरी बात नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ कोई रابطہ आपकी पार्टी की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन में सपोर्ट के हवाले से, या जो तहरीक चलाई जाएगी आइन बचाओ पाकिस्तान की, जो एक तहरीक आप लोग चलाने वाले हैं, मौलाना साहब के साथ रابطہ हुआ या अभी नहीं? जी, ये हमारी कुछ सीनियर लीडरशिप इस पे काम कर रही है और मौलाना साहब ख़ुद भी चाहते हैं कि इनके साथ मिल के काम किया जाए, और हम जब सड़कों पे निकलें और इत्तेजाज की कॉल की जाए तो हम चाहते हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। तो जो माजी में आप लोग मौलाना साहब के बारे में आपकी क़्यादत, खसूसन सीनियर क़्यादत जो बयान देती थी, क्या उन पर माजरत की जाएगी या उन बयान को जो है वो एक सियासी रंग देकर ख़त्म किया जाएगा? देखें, ये आर्जी हमारा उनके साथ कट जोड़ हो रहा है, हम उनको कुछ सारी ज़िंदगी के लिए अपनी जमात में शामिल नहीं कर रहे, या वो कोई PTI ज्वाइन नहीं कर रहे, उनकी अपनी एक सियासी जमात है, हमारी अपनी है, लेकिन वो अभी हालात के और वक्त के साथ चलना पड़ता है। आपको पता है कि हमारे वर्कर को तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा, हमारे वर्कर से तो जेलें भरी हुई हैं इन्होंने, हमारे वर्कर को तो खौफ इतना किया, हमारा लीडर इस टाइम जेल में बंद बैठा है, तो हमें इन इन इस टाइम इस मुल्क को तमाम जमातों की सपोर्ट की ज़रूरत है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग इकट्ठे होकर इन चोर डाकुओं का सामना करें, और जो जो अपना अपना उधर से गलतियाँ कोताहियाँ जिससे हुई हैं, जो पहले इन्होंने जो PDM या जमातें ज्वाइन की हुई थी, वो उनको शायद अकल आ गई है, समझ आ गई है कि वो लोग गलत थे, इसीलिए आज वो हमारा साथ। अच्छा, मौलाना तब इस्तेमाल हुए थे PDM में या अब इस्तेमाल होंगे? नहीं, वो उधर तो इस्तेमाल के अलावा कुछ भी नहीं है, PDM में तो इस्तेमाल के अलावा कुछ नहीं है, हम इस्तेमाल नहीं करते, हम तो सीधी बात करते हैं कि ये मुल्क के लिए ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सारा वोट चोरी किया, ये 15 सीटों से वज़ीर आला बन गया और 18 सीटों से वज़ीर आज़म बन गया, तो ये ज़्यादती नहीं है मुल्क के साथ, इतना पैसा अरबों रुपये हमने बर्बाद कर दिए गवर्नमेंट के, और कब्ज़ा फिर इनका है, पीछे इन्होंने 16 माह कब्ज़ा करके रखा आपके सामने, ये आइन था। अच्छा शहजाद, मुझे ये बताइएगा कि इमरान खान की रिहाई के हवाले से क्या इकदाम किए जा रहे हैं? जजेस पे आप लोगों को जो है वो तहफ़ुज़ात का आपने बार बार ऑन द रिकॉर्ड आके भी इजहार किया, और फिर 6 जजेस के हवाले से जो उन्होंने लेटर्स उन्होंने लिखे, उसके बाद हमने देखा कि कुछ डेज़ पहले आपने देखा कि उनको जो है वो कुछ ऐसे लेटर्स वसूल हुए जिनके ऊपर ममनुआदवियात थी या इस तरह के केमिकल्स थे, तो किस तरह से उनकी रिहाई के हवाले से क्या कोई तहरीक चलाई जाएगी या कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी? अगर कानूनी लड़ाई की बात करें तो आप लोगों को तहफ़ुज़ात हैं जहाँ से आपने इंसाफ लेना है, तो इसको किस तरह से उनको अपने चेयरमैन के लिए आप जदोजहद करेंगे? देखें, हमारे चेयरमैन के ऊपर आपको भी पता और पूरे पाकिस्तान की कौम नहीं पूरी दुनिया जानती है कि झूठे मुकदमे दर्ज किए हुए हैं, एक भी मुकदमा ऐसा साबित नहीं हुआ कि उनकी कोई करप्शन पकड़ी जाए या उनका कोई ऐसा साइफर पकड़ा जाए, कोई भी चीज़ ऐसी साबित ही नहीं हो सकी, ये तो सारे झूठे मुकदमे हैं, तो ये इंशाल्लाह सारे खारिज होंगे, और ये आपको पता है कि अदालतें जो चीज़ें देख रही हैं और केस सारे वो स्टडी कर रहे हैं, तो उसमें कुछ भी नहीं निकल रहा, तो इंशाल्लाह मुझे पता है कि इंशाल्लाह ताला ये बड़ी ईद से पहले किसी की कुर्बानी होगी हुकूमती नुमाइंदे की, तो हमारा लीडर इंशाल्लाह बड़ी ईद से पहले बाहर होंगे और कुर्बानी घर आ गए इंशाल्लाह। आप भी शेख रशीद की तरह पेशन गोईयाँ कर रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले कुर्बानी होगी, तो शेख रशीद साहब तो PDA से काफ़ी दिल बर्दाश्त है। अच्छा, 9 मई की बात की जाए जी, तो 9 मई आपकी नज़र में क्या है? 9 मई आपको पता है, आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि PTI का तो इसमें जितना किरदार रोल है, आपको पता है इत्तेजाज के लिए ज़रूर हम गए थे, इत्तेजाज के लिए
हर किसी का हक है, किसी भी रोड पे किसी भी जगह पे सीनियर बिल्डिंग के सामने आप इत्तेजाज कर सकते हैं, लेकिन इत्तेजाज की हद तक तो हम थे। आगे जो भी लोग थे हमें नहीं पता, और उनको तो मैं तो फिर से कहूँगा कि उनसे उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जो लोग मुलव्वस थे, जो लोग वहाँ पे थे, जिन्होंने ये तोड़फोड़ की, जो लोग अंदर घुसे उनको दें, लेकिन हमारे जो पीटीए के लोग थे वो सारे बाहर खड़े हुए थे। अच्छा, अभी एक तहरीक का जिस तरह आगाज़ किया जा रहा है, क्या ये तहरीक किस तरह की तहरीक होगी? क्या पीटीआई दोबारा किसी इस तरह के एहतजाज का हिस्सा बनेगी? आपके बकौल के पीटीआई बाहर थी और सीनियर बिल्डिंग के सामने आप लोग एहतजाज करने गए थे, लेकिन एहतजाज का रुख था वो जिना हाउस और कोर कमांडर हाउस की तरफ था, तो वहाँ पे कौन सी ऐसी सीनियर बिल्डिंग थी कि जिसके सामने एहतजाज किया जाना आपको मुनासिब लगा? सीनियर बिल्डिंग बस कुछ सीनियर लीडर भी नहीं था उधर, तो आवाम ने जैसे कहा कि चलो 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 कोर कमांडर हाउस, उधर किसी ने हुक्म नहीं जारी किया हुआ था कि कोर कमांडर हाउस इत्तेजाज करो, लेकिन जब लोगों ने कहा कि हम इत्तेजाज करने के लिए, चाहे वो आर्मी चीफ साहब हों तो उनके ऑफिस के बाहर भी तो इत्तेजाज किया जा सकता है, इत्तेजाज तो हक है, कोर कमांडर ऑफिस के बाहर भी इत्तेजाज किया जा सकता है, लेकिन जो अंदर एंटर होना और तोड़फोड़ करना और आग लगा देना ये तो बहुत गलत बात है। शहजाद, आर्मी चीफ के ऑफिस के सामने किस तरह से एहतजाज किया जा सकता है, जरा ये हम पूरा मन एहतजाज, जब मुल्की हालात ऐसे हो जाए, जब हाथ से चीज़ें निकल रही हों, जब हालात ख़राब मुल्क के हो जाए, तो फिर हमारे पास आखिरी ऑप्शन होती है, हम एहतजाज की शक्ल में बैठ सकते हैं, पूरा मन एहतजाज को किस तरह से कंट्रोल करेंगे, उनके पास ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं कि वो एक जो मुंतखब हुकूमत है उसके ख़िलाफ़ एहतजाज हम लोग जाके, या कोई भी अगर आप कह लें शहरी एहतजाज, ये जो है वो सबका हक है, तो किस तरह से वहाँ पे जा कर सकते? हुकूमत जब किसी लोगों को परेशान करेगी, हालात ख़राब करेगी, तो उसके अलावा फिर आर्मी चीफ साहब भी हैं, उनके पास सारा कंट्रोल है। अदलिया, अगर हुकूमत से हमारी, आपको पता ही है अदलिया माशाल्लाह जिस तरह के फैसले कर रही हैं, और जिस तरह अदलिया ये 6 जजेस का देख लें कि ये हमारे मुल्क के इतने बदतर और बदतरीन बुरे हालात हो गए हैं, बुरी तरह से, कि जज इंसाफ मांग रहे हैं, जजेज अपने पाकिस्तान की कौम आवाम से इंसाफ मांग रही है, तो इससे कोई बुरी बात हो अगर एक है। बात यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा करना चाहूँगा कि जिस तरह से अब जो है वो 6 जजेज ने ख़त लिखे, तो इसी तरह से जब पीटीआई इकतदार में थी तो जस्टिस अब्दुल कयूम सदीकी जो हैं उन्होंने एक अपने तहफ़ुज़ात का इजहार किया, लेकिन उनको जो है वो आवाज़ नहीं उठाई गई यहाँ पर। उस हवाले से क्या दोनों तरफ, अगर आज एक गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है और माजी में आपकी गवर्नमेंट थी, तो आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ जो है उसी वक्त इंसाफ का फौरी हल किया जाता? तो यही तो इमरान खान है, इसे तो इमरान खान कहते हैं कि इमरान खान इसी चीज़ का तो सामना कर रहे हैं, इसी चीज़ की तो लड़ाई है, यही तो हमारे फड्डे चल रहे हैं कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये जो ऊपर हमारे ये हुकूमत के ऊपर प्रेशर होते हैं, हर अदारे का काम है अपना अपना काम करना और अपने काम से मुतल्लिक काम रखें, और ये हुकूमत को डिस्टर्ब करना, ये चीज़ें आपको पता तब भी प्रेशर था, खान साहब के ऊपर भी काम नहीं करने दिए गए, खान साहब को भी रोका गया मना, तो इसीलिए खान साहब उनके सामने चीज़ों के सामने आ गए, इसी चीज़ की सज़ा भुगत रहे हैं आज भी। अंदर पाकिस्तान में कोई ऐसा लीडर माने पैदा नहीं किया कि जो खड़ा होकर बात कर सके इस तरह सामने से, तो अभी तक भी वो जेल में बैठ के कहते हैं कि इधर मेरा जीना भी पाकिस्तान है और मरना भी पाकिस्तान है, जब तक मुल्क के हालात और चीज़ें सारी बेहतर नहीं होंगी तो मैं जेल में मर भी जाऊं तो फ़र्क। अच्छा शहजाद, एक आखिरी सवाल, उसके बाद मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अभी जिस तरह आपने बात की कि जीना मरना और दबाव का एक सूरत हाल थी, आप काफ़ी मुश्किलात बर्दाश्त की, कोई आपको इस तरह की ऑफ़र के छोड़ो पीटीआई इधर आ जाओ या किसी और पार्टी में चले जाओ, सियासत से अलग हो जाओ, आबाद साहब को रिहाई की कोई, जिस तरह आपने देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बड़े रहनमा आपके जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बाहर हैं, तो कोई इस तरह की ऑफ़र कोई डील की बातें? जी बहुत ज़्यादा हुई हैं, आपको पता है। नहीं अभी फ़िलहाल मुझे नहीं, मैं 8 फरवरी के इलेक्शन जो मेरा मरियम नवाज़ के साथ था, मुझे बहुत बड़ी ऑफ़र की गई और बहुत ज़्यादा मेरे भाई मियाँ बाद साहब को भी छोड़ने का कहा गया, रिहा करते हैं, और मुझे काफ़ी पैसों की भी ऑफ़र की गई, हमारी फैक्ट्रियाँ जो सील हैं उनको भी ओपन करते हैं, लॉस भी पूरे करते हैं, और आपको
نون لیگ جوائن کریں اور چیزیں کافی کہاں سے آفر کون دیتا ہے کوئی؟ بس یہ پارٹی کے رہنما جو ان کے اپنے پارٹی کے رہنما والے اب کیا نام لینا، لیکن ان کے پاس تو کوئی اختیار نہیں کہ وہ میاں باز صاحب کو باہر بھیج دیں، بس وہ ان کے پاس سارے اختیار آتا ہے جن کی اندر سیٹنگ ای ٹی سی ٹی ملی ہو تو پھر چیزیں ان کی جوائن ہو جاتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ بہت شکریہ شہزاد، آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ جی ناظرین، یہ شہزاد فاروق تھے جو کہ کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور گفتگو کر رہے تھے سیاست کے حوالے سے بھی، اور ماضی کی کچھ تلخ یادیں بھی انہوں نے جو ہیں وہ بھی بیان کی، اور کچھ انہوں نے آفرز کی بھی بات کی۔ لیکن یہاں پر ہمارا یہی ہے کہ جو بھی آئے اس ملک کے لیے، الیکشن جہاں بھی جیتے وہ اس ملک کا اور قوم کی خدمت کرے تاکہ عوام جو ہے وہ اس مشکلات کے جو سفر ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اسے ختم ہو اور سکھ کی جو ہے وہ زندگی جیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔